दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को दो अलग अलग वीडियो में इंडिया का FICV और FRCV प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, मतलब इंडिया का फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल दोनों प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करते हैं इंडिया का टाटा कंपनी का द्वारा बनाया हुआ एम्फीवियस पर्सनल कैरियर टाटा केस्ट्रल के बारे में। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिफेंस लवर है तो आपको मेरा चैनल बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस चैनल में मैं हर दिन नया नया डिफेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो देरी ना करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि टाटा क्रिस्टल इंडिया का FICV या FRCV प्रोजेक्ट से पूरा पूरी अलग प्रोजेक्ट है और ये एक ना ही इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है या फिर कोई भी फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट व्हीकल भी नहीं है। ये असल में टाटा और DRDO के द्वारा बनाया हुआ एक एम्फीवियस आर्मर पर्सनल कैरियर है, जिसको संक्षेप में आप APC बोल के भी जानते हैं। दोस्तों इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा इस आर्मर पर्सनल कैरियर का डेवलपमेंट हुआ है और इसको रशियन बेस्ड मॉडल के जगह में एक वेस्टर्न डिजाइन के तरह बनाया गया है। मतलब ये आर्मर पर्सनल कैरियर यूरोप और अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने वाला आर्मर पर्सनल कैरियर जैसा ही दिखता है। दोस्तों इस आर्मर पर्सनल कैरियर को आप एम्फीवियस आर्मर पर्सनल कैरियर और व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर भी बोल सकते हैं। मतलब इसको टैंक और BMP जैसा ट्रैक के जगह में व्हील के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जबकि इसको पानी के सतह के ऊपर से भी लेके नदी के इस तरफ से उस तरफ लिया जा सकता है, जिस वजह से इसको एम्फीवियस आर्मर पर्सनल कैरियर भी बोला जाता है। दोस्तों बेसिकली इस आर्मर पर्सनल कैरियर को डिजाइन किया गया था इंडिया द्वारा रशियन मेड जो BMP-1 और BMP-2 ऑपरेट किया जाता है उसको रिप्लेस करने के लिए, पर फिलहाल इसको माना जा रहा है कि एक नया प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है, जबकि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के तहत BMP-1 और BMP-2 को रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों टाटा क्रिस्टल इंडिया का प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया हुआ डिफेंस प्रोडक्ट का एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया का प्राइवेट कंपनी इंडियन डिफेंस मार्केट के लिए उतना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाता है, जबकि टाटा क्रिस्टल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसीलिए है कि एक परफेक्ट और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और माना यह जा रहा है कि पहले फेज में इंडियन आर्मी द्वारा 1000 से भी अधिक ऐसा एम्फीवियस आर्मर पर्सनल कैरियर का ऑर्डर दिया जा चुका है। दोस्तों फिलहाल यह टाटा क्रिस्टल प्रोडक्शन लाइन में है और इसका पहला फेज का डिलीवरी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको आप देखें एक आर्मर पर्सनल कैरियर के हिसाब से सिर्फ जज नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको एक लाइट इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हिसाब से भी जज कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रूप्स कैरिंग के साथ साथ हैवी फायर पावर के साथ भी लैस है। दोस्तों इस आर्मर पर्सनल कैरियर में 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आर्मर पियर्सिंग सेल के साथ साथ हाई एक्सप्लोसिव सेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसके द्वारा आप छोटा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ साथ बड़े टैंक के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी हिसाब से एक 7.62 मिलीमीटर का मशीन गन भी लगा हुआ है। दोस्तों कुछ वर्जन में स्मोक ग्रेनेड, टैंक एमुनेशन प्रोटेक्शन सेल और 40 मिलीमीटर का ऑटो ग्रेनेड लॉन्चर भी लगा हुआ है। दोस्तों 2016 में डिफेंस एक्सपो में एक ऐसा मॉडल को रखा गया था जिसमें 40 मिलीमीटर का गन भी लगा हुआ था, साथ ही साथ उस मॉडल में दो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाया हुआ था जो कि क्विक रिएक्शन फायर मोड के लिए बनाया गया है। पर दोस्तों इसका जो बेस वर्जन है उसमें 30 मिलीमीटर का गन का ही इस्तेमाल किया जाएगा और उसे एक आर्मर पर्सनल कैरियर के हिसाब से जज किया जाएगा। पर माना यह जा रहा है कि इसका एक अपर वर्जन भी आने वाला है जो व्हील्ड के साथ ट्रैक वर्जन में भी हो सकता है और उसमें हैवी गन के साथ साथ टैंक एमुनेशन प्रोटेक्शन भी रहेगा, मतलब जो टैंक के फायर से भी बच सके। इसके अलावा नाग मिसाइल के साथ साथ इसमें दूसरे तरीके का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज हम इसका बेसिक वर्जन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। दोस्तों टाटा क्रिस्टल का जो बेसिक वर्जन है वो एक व्हील्ड वर्जन है, मतलब उसमें पहिया लगाया जाएगा और ये 8x8 व्हील्ड वर्जन है, मतलब इसमें टोटल 8 पहिए होंगे और 8 पहिया इंजन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, जो इस आर्मर पर्सनल कैरियर को किसी भी तरीके का जमीन के ऊपर या कीचड़ हो या फिर रेत हो उसके ऊपर आसानी से मूवमेंट का मौका देगा। इस आर्मर पर्सनल कैरियर का वजन करीबन 25 टन के आसपास है, जबकि इसका लंबाई है सिर्फ 7.8 मीटर और चौड़ाई है 2.95 मीटर। इस आर्मर पर्सनल कैरियर का ऊंचाई है करीबन 2.28 मीटर और इसमें 3 क्रू मेंबर के साथ साथ 9 ट्रूप्स को भी कैरी किया जा सकता है। दोस्तों क्रू मेंबर
में माना जाता है कि एक ड्राइवर, एक को ड्राइवर और एक गनर हो गए, जिसमें गनर 30 मिलीमीटर गन को ऑपरेट करेगा, जबकि को ड्राइवर के हाथ में रहेगा 7.62 मिलीमीटर का गन का कंट्रोल। दोस्तों, इंडिया का इस एम्फीबियस आर्मर पर्सनल कैरियर का खासियत यह है कि इसमें स्टील के साथ साथ कंपोजिट मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब एक हाई ग्रेड का हल्का और मजबूत धातु का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका मजबूती तो बढ़ जाता है पर वजन उतना नहीं बढ़ता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका बेसिक वर्जन में मेन गन के हिसाब से एक 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन का इस्तेमाल होगा, जबकि सेकेंडरी वर्जन में इसमें एक 7.62 मिलीमीटर का लाइट मशीन गन होगा। और दोस्तों, इसमें एक मल्टी फ्यूल डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका क्षमता करीबन 600 हॉर्स पावर का है, मतलब पावर के मुताबिक देखे तो इसका पावर भी काफी ज्यादा है। दोस्तों, इस इंजन के साथ साथ इस आर्मर पर्सनल कैरियर का ऑन रोड स्पीड है करीबन 100 किलोमीटर पर आवर, जबकि यही आर्मर पर्सनल कैरियर पानी के सतह के ऊपर से करीबन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस आर्मर पर्सनल कैरियर को इंडियन आर्मी के तरफ से एक एम्फीबियस व्हील आर्मर पर्सनल कैरियर के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा, पर माना यह जा रहा है कि फ्यूचर में इसको नेवी के तरफ से एक एम्फीबियस लैंडिंग रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।